जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जो व्यक्ति रात्रि 9 बजे माता काली के इन चार मंत्र का जाप करता है, उसको 20 मिनट तक उसके शरीर में माता काली आने लगती है। जी हाँ भक्तों, अगर आप माता काली को अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं, माँ को सवारी रूप में अपने शरीर में प्रकट करना चाहते हैं, और वही चीज़ करने के लिए आप बहुत दिनों से पूजा पाठ भी कर रहे हो, माता को बड़ी बड़ी भेंटें भी चढ़ाते हो, माँ को भोग प्रसाद भी चढ़ाते हो, माता के मंदिर में भी जाते हो हर शनिवार को दर्शन करने, और माता के बड़े बड़े मंत्रों का जाप भी करते हो, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको फ़र्क नहीं दिख रहा है, यानी माँ काली आपके शरीर में नहीं आ रही हैं, आप चाहते हो माता की शक्ति को अपने शरीर में प्रकट करना लेकिन प्रकट हो ही नहीं रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ना तो मैं आपको कोई पूजा बताऊँगी, ना ही मैं कोई आपको पाठ बताऊँगी। यहाँ पर केवल मैं आपको चार माता काली के ऐसे मंत्र बताऊँगी, जिन मंत्रों का ही इस्तेमाल करके अपनी पूजा पाठ में आप लोग माँ काली के इन मंत्र को सिर्फ 20 मिनट तक रोज़ाना अगर आप जपना शुरू करते हैं, तो आपके शरीर में माता काली खुद ही प्रकट होने लगती है। आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, माँ ऑलरेडी आपके शरीर में प्रकट होने लगेगी जब आप माता के इन मंत्रों का जाप केवल 20 मिनट तक रोज़ाना ही पूजा पाठ में करेंगे। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊँगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जो व्यक्ति रात्रि 9 बजे का समय निकाल के माता काली के इन चार मंत्रों का जाप करेगा, जो जो मंत्र मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो माँ काली के बीज मंत्र होने वाले हैं और कुछ उसमें गुरु के दिए हुए मंत्र हैं। तो अगर आप इन चारों में से किसी भी एक मंत्र का इस्तेमाल करते हैं अपनी पूजा पाठ में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 20 मिनट तक उस मंत्र को जपना है। आप चार मंत्र में से एक ऐसा मंत्र चूज़ करो जो आपको आसान लग रहा हो, जिसका जाप आप अच्छे से कर पाए और जो आपको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले याद भी हो जाए, उसी का इस्तेमाल करके अपने शरीर में आप माता काली को 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ही प्रकट कर सकते हैं। ये मैं आपको पूरी गारंटी दे रही हूँ, आप एक बार करके देखेंगे तो आपको खुद ही अपनी आँखों से चमत्कार दिखने लगेगा। तो चलिए पहले मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, फिर बताती हूँ किस तरह से आपको इनका इस्तेमाल करना है। पहला मंत्र है ओम नमो नमो महाकाल का, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ जाए बज्र की थाली, वहाँ न आए दुश्मन हाली, दुहाई तुझे कामरू कमख्या नैना योगिनी ईश्वर गोरा पार्वती। ठीक है, ये जो मंत्र है ये कालका माता का है जो मैंने अभी आपको दिया है। अब मैं आपको दूसरा मंत्र बता रही हूँ, ध्यान से सुने। ओम काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये माँ काली का दूसरा मंत्र है, जिनका जाप करके ही आप अपने घर में खुद ही माता को अपने शरीर में प्रकट कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है ओम क्रिम 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 कालिकाए नमः। ये माता काली का सबसे पावरफुल मंत्र है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो आप इसी मंत्र का जाप करना और ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, और आसान भी है और बहुत पावरफुल भी है। चौथा जो मंत्र है वो माता कामाख्या का है, उसका नाम है, ध्यान से सुने, ओम क्रिम क्रिम कामाख्या क्रिम क्रिम नमः। ये चार मंत्र जो मैंने आपको दिए हैं इस जगत में सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। इन मंत्रों से जैसे मर्जी काम कराए जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो आपको इनका इस्तेमाल कैसे करना है, अब इनमें से जो भी मंत्र आपको आसान लग रहा है आप उस मंत्र का इस्तेमाल करें।
ठीक है, पहले आप इन चारों में से एक मंत्र चूज करें जो आपको सही लग रहा है। अब आपको क्या करना है, जब आप माता की सुबह पूजा पाठ करते हैं तो आप लोगों को पूजा पाठ के बाद तुरंत 20 मिनट तक इस मंत्र को जपना पड़ेगा। इस मंत्र को गिनती से नहीं जपना है, इसको समय से जपा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 20 मिनट रोजाना की पूजा पाठ में आप इस मंत्र को 20 मिनट जरूर जपें। चाहे आप एक टाइम जपें, सुबह जपें या शाम की पूजा में जपें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बार आप इस कार्य को करके देखें। इन मंत्रों के जाप से ही मैंने माता की सवारी को प्राप्त किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इन मंत्र का इस्तेमाल करके माँ काली को अपने शरीर में प्रकट कर लेंगे। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें। जय माता।